हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बर्थडे के कुछ क्लेम्स। तो यहाँ पे ना मेरी बर्थडे का मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। सो यहाँ बहुत ही शिद्दत से रियांश के पापा और रियांश बलून फुलाने में लगे हैं, और वहाँ सामने देख सकते हो बैनर लग चुका था। सो आई रियली लव जब कोई आपके स्पेशल डे पे कुछ स्पेशल चीज़ें करता है। मैं हमेशा से सबके बर्थडे पे, जो मेरे मदर सिस्टर हैं उनके बर्थडे पे हमेशा डेकोरेशन करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी के स्पेशल डे पे कुछ ऐसा करना। सो यहाँ पर ये बर्थडे गर्ल का स्टैश था जो रियांश मुझे डला रहा था, तो थोड़ा कलर डल गया था, तो बहुत हंसी आ गई थी। सो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा केक भी आ रखा था, चॉकलेट का हार्ट शेप में, जिसमें रोज था और कैंडल्स भी बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पर फिर हमने आपस में यहाँ पे सेलिब्रेशन किया। सो मैंने अपने बर्थडे का केक कट किया और बर्थडे सॉन्ग भी गाया गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ फाइनली केक कटिंग के बाद हमने एक दूसरे को केक खिलाया था। तो रियांश लव्स ईटिंग केक, सबसे पहली बाइट मैंने उसी को दी थी, बिकॉज वो काफ़ी देर से वेट भी कर रहा था कि कब 12 o'clock होंगे, केक कट होगा और मैं खाऊंगा। सो या केक कट करने के बाद मुझे मिला था मेरा बर्थडे प्रेजेंट। सो मेरे बर्थडे प्रेजेंट को मैं ओपन करती हूँ, उससे पहले रियांश के लिए वेवलेट भी आया था, बिकॉज उसने मेरे बर्थडे पे ये डिमांड किया था। सो माई गिफ्ट वॉज रियली वेरी प्रिटी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आज बर्थडे है, जैसे तो हमारा मेरे लिए डिनर डेट भी प्लान थी, तो जो कि सरप्राइज़ थी। सो या सुबह के सारे काम निपटा कर मुझे था कि मैं अच्छे से अपने बालों को हेड वॉश कर लूँ। सो मैं जब बालों पे कुछ नहीं लगाती ना, तो एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन रहता है, अगर आप कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते, इस तरह से आप एलोवेरा ले लें, उसका अच्छे से पेस्ट बना लें, ऐसे ही नहीं लगाना उसको, डायरेक्ट पेस्ट बनाकर अगर अपने हेड में अच्छे से अपने स्कल्प पे मसाज करते हो ना, तो बहुत अच्छे से आपकी हेयर की जो है कंडीशनिंग हो जाती है। बस बाल धोने से पहले आधा घंटे पहले इसे लगा लें और अपने हेड वॉश कर लें, बहुत ही जो फ्रिजीनेस रहती है बालों में और बेजान से आपके हेयर लगते हैं ना, बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। सो नहा धोकर मैंने की थी यहाँ पर पूजा। सो गाइज, हेयर केयर तो हो गया था, हेड वॉश करने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैं फेस पैक भी लगा देती हूँ। यूजुअली लोग फेस पैक को पहले लगाते हैं, मैं बहुत टाइम बाद में ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बेसन, एलोवेरा और हनी और कर्ड के मिक्सचर बनाकर ये लगाया था। हनी मैं हमेशा ऐड करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है, तो ड्राइनेस ना आए फेस पैक लगाने के बाद, इसलिए मैं हनी को ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। सो यहाँ पर बस जैसे ही 15-20 मिनट्स पे वो ड्राई हो गया, मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया था। सो लाइफ में कुछ ना कुछ अगर आपने चीज़ें सीखी होती है ना कहीं काम आती है। सो ये थ्रेड चलाना मैंने कुछ वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट सीख लिया था, जो आज की डेट में मेरे काम आ जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है या आप थोड़ा सा वो अवॉइड करते हो सैलून जाना। तो मेरे थोड़े से बहुत हल्के से अपर लिप्स हो रहे थे, तो मैंने घर में खुद से ही कर लिए थे। और यहाँ पर अब टर्न आ गई है फाइनली ड्रेसअप होने की। सो मैंने ये डेनिम की स्कर्ट डाली थी और ये पुल ओवर ब्राउन कलर का। सो मैंने ये मिंत्रा से ही दोनों चीज़ें ली थी। सो मैंने इस पर एक हॉल वीडियो भी बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। सो आजकल ये आपकी डेनिम जीन्स इन ट्रेंड है बहुत ज़्यादा, और बहुत स्मार्ट भी लगती है डाली हुई। सो अब ड्रेस तो डल चुकी है, बात आती है अब फेस की। सो बहुत ही लाइट सा मेरा फेस मेकअप रहता है, बहुत बेसिक सा, जो मेकअप नो मेकअप जैसा ही लगता है। हल्का सा इसमें मैं फाउंडेशन लगाती हूँ जो मेरी स्किन टोन से मैच करता है, और एवरी टाइम मैं अपना कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, सम टाइम जब ज़्यादा मन करता है कुछ करने का तो मैं आइस के नीचे कंसीलर भी यूज़ कर लेती हूँ। सो यहाँ मैंने कंसीलर लगा दिया, और ये मेरा फेवरेट टिंट है जस्ट हर्ब्स का ही।
बहुत नेचुरल सा लगता है, तो यहाँ पे बस चिक्स पे वो लगाकर, और यहाँ पे जस्ट हर्ब का ही एक शेड है, आई डोंट नो कौन सा शेड है, सो ये मैंने लगा दिया था। तो हेयर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी नहीं है और शाइनी भी हो रखे हैं जेल लगाने के बाद, एलोवेरा अप्लाई करने के बाद। सो मैंने यहाँ पे बस स्ट्रेटनर से ये स्ट्रेट किए जो बिल्कुल अच्छे से सेट भी हो गए, और यहाँ पे ये गोल्ड कलर के मैंने रिंग्स लिए। सो ये फ्रेंड्स, ये था मेरा बर्थडे का ओवरऑल लुक। सो आप मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। सो फाइनली आई एम रेडी फॉर माई डिनर डेट। सो हम तीनों निकल गए थे अपने जो जहाँ हमें जाना था वहाँ, मिली एंड तक सरप्राइज था हम कहाँ जा रहे हैं। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night. सो ये फ्रेंड्स फाइनली विदेश, तो ये है सेक्टर 65 गुड़गांव का वर्ल्ड मार्क। सो एज दिस वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम आई फाउंड दिस प्लेस वेरी प्रीटी। सो एम्बियंस वाइज भी बहुत अच्छा था, यहाँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग रेस्टोरेंट्स हैं जो बाहर से देखने में लग रहा था। सो फाइनली थोड़ा लेफ्ट राइट घूमने के बाद जो हमारा मेन था आज का जहाँ पे हमने डिनर करना था, हम वहाँ को गए, पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्योंकि हम दोनों को ही नहीं पता था। तो पता चलता है बाद में कि ये आपका बेसमेंट में है। सो हम वहाँ गए एंड ये है यू मी एंड दिस इज़ अ जापनीज़ रेस्टोरेंट गाइस। मेरा बहुत टाइम से सुशी खाने का मन था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आज का डिनर प्लान हुआ था। तो जो इसकी एंट्रेंस थी भी बहुत अमेजिंग थी और इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा था। तो एज दिस इज़ अ जापनीज़ रेस्टोरेंट, तो चॉपस्टिक तो बनती ही थी, तो आई एम नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल विद दिस। तो बहुत मैंने कभी ट्राई नहीं किया है फ्रेंकली स्पीकिंग, तो बस मैं पहले थोड़ा सा यूज़ टू कर रही थी अपने आप को इसको उठाने के लिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें ट्राई कर रही थी जब तक मेन कोर्स नहीं आ जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले जूस आया था जो बहुत ही प्लम्पी, बहुत ही टेस्टी था और नेचुरल था बिल्कुल, सबसे अच्छी बात। आई लव नेचुरल थिंग्स, मुझे ज़्यादा फ्लेवर्ड वाली चीज़ें नहीं पसंद हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आए थे बॉयल्ड पीज ही कहूँगी, मुझे इसका नाम नहीं पता क्या बोलेंगे, तो ये हेमंत को बहुत पसंद है इस करके ऑर्डर हुए थे। और मेरी आगे सुशी, आप देख सकते हैं इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अमेजिंग थी, और इनिशियली मैंने ये चॉपस्टिक के साथ ही ट्राई की सुशी, और उसके बाद मैं आ रही हूँ तो बात की बहुत मल्टीपल फ्लेवर थे, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे हमेशा नई नई चीज़ ट्राई करना बहुत पसंद है, जैसी मर्जी हो, पर यही बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा मेरा। सो एज वी वर नॉट दैट मच फेमिलियर विद द प्लेस, तो थोड़ी सी जगहें हमें देखनी पड़ी यहाँ वहाँ जाकर कि कहाँ पे स्वीट खाएं। सो दो तीन जगह देखने के बाद फाइनली जगह मिली जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, जहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा था। तो मैंने अपने लिए चीज़ केक ऑर्डर किया, रियांश ने अपने लिए चॉकलेट लॉलीपॉप, तो रियांश के पापा ने कुछ नहीं लिया था, तो आई शेयर्ड माई चीज़ केक विद हिम। इनिशियली वॉज लाइक कि नहीं मुझे नहीं खाना है, बट पहली बाइट लेते ही उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो हमने ये शेयर करके खाया। सो या दैट्स ऑल अबाउट माय बर्थडे, आई हैड अ ग्रेट टाइम। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये सेलिब्रेशन बर्थडे का, और आप मुझे विश भी कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।